दो संस्कारी और तीन मॉडर्न बहुओं की होली। सरोज की दो संस्कारी बहू सुप्रिया और हेमा सर्वगुण संपन्न थी, वहीं उसकी तीनों छोटी बहू मॉडर्न ख्यालों की थी। फैशनेबल बिगड़ी हुई बहू थी जो घर में छोटे कपड़े पहनती थी। ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं रसोई में खाना बना रही थीं, तभी सास आकर कहती है, पांचों बहुएं जरा मेरी बात ध्यान से सुनो, घर पर तुम्हारे ससुर जी के कुछ दोस्त आने वाले हैं तो उनके लिए अच्छा सा खाना बनाना, और तुम तीनों मॉडल बहुएं साड़ी पहन लेना, नाक मत कटवा देना उनके सामने। माँ जी आप तो जानती है ना, हम तीनों को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो तो हम कर नहीं सकते, और रही बात कपड़ों की तो आप हमें बार बार चेंज करने की कोशिश क्यों करती हैं? बिल्कुल माँ जी, आप हमसे साड़ी पहनने का दिखावा क्यों करवाना चाहती हैं? वी आर मॉडर्न बहुएं। दोनों जेठानी जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। बिल्कुल ऐसा कीजिए माँ जी, आप अपनी दोनों संस्कारी बहू से ही सारी इच्छाएं पूरी करवाइए, हमसे नहीं। देवरानी जी अगर आप माँ जी पापा जी की लाज रखने के लिए 10 मिनट के लिए साड़ी पहन लेंगी तो इसमें हर्ज ही क्या है, बाकी तो अपने मन की इच्छा ही करती हैं आप हमेशा। और वैसे भी तुम तीनों को तो ना सफाई करनी है ना खाना बनाना है, साड़ी पहनने में भी दिक्कत आ रही है। यही तो मैं इन तीनों को समझा रही हूँ, लेकिन सास के आगे भी अपनी चलने कहाँ देती हैं। देखो तुम तीनों डिसाइड कर लो कि झाड़ू पोछा करना चाहती हो कि या साड़ी पहनकर चुपचाप खड़ी रहना चाहती हो। सास की काम करने की बात सुनकर तीनों मॉडर्न बहुएं घबरा जाती हैं और कहती हैं, ओके ओके अब आप सब ज्यादा मत बोलिए, हम कर लेंगे इतना, है ना शिप्रा कीर्ति? हाँ हाँ बिल्कुल। ये कहकर तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन जब ससुर कमलेश के दो दोस्त नरेंद्र और सुरेंद्र आते हैं तो पांचों बहू उनके सामने नाश्ता रखने के बाद पैर छूती हैं। तभी कीर्ति साड़ी में लड़खड़ाकर कहती है, माँ जी को पता है हमें साड़ी पहननी नहीं आती ना इसमें चलना आता है, फिर भी जबरदस्ती पहनवा दिया, अब नाक नहीं कटेगी क्या उनकी? पता नहीं माँ जी समझती क्या है खुद को। अरे क्या हुआ बहू, क्या बड़बड़ा रही हो, आराम से चलकर आओ, कोई जल्दी नहीं है। जी अंकल जी, पापा जी आपके बचपन के दोस्त है ना? हाँ हाँ बेटा। और ये लो बेटा होली के लिए कुछ तोहफे और गुलाल मिठाई वगैरह, आजा कमलेश तेरे तो आज ही रंग लगा दूं। 4 दिन बाद अलग से आऊंगा, घुटनों में दर्द रहता है ना मेरा। हाँ समझ सकता हूँ तेरी परेशानी, मेरे भी तो घंटों कमर में दर्द रहता है। अरे शुक्रिया अंकल जी, इतने सारे तोहफे की क्या जरूरत थी। कोई बात नहीं बेटा, ये सब तुम बच्चों का ही है। ये कहकर कमलेश के दोनों दोस्त उसे गुलाल लगाकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद तीनों उन तोहफे में से स्प्रे कलर उठाकर ले लेते हैं और कहती हैं, देखो दीदी अब मैं क्या करती हूँ पापा जी के साथ। कमलेश चश्मा लगाए अखबार पढ़ रहा था कि कीर्ति बहू चुपके से उसके सफेद कुर्ते पर स्प्रे चलाकर पागल लिख देती है, जिसे देखकर तीनों बहुएं बहुत हंसती हैं। फिर सोती हुई सास की मूछ बना देती हैं और कहती हैं, अरे वाह हमारी माँ जी तो बिल्कुल पापा जी की तरह मुच्छड़ लग रही है। चलो हम जाकर होली खेलते हैं बाहर। ओहो ये साड़ी बकवास है एक तो। ये कहकर तीनों मॉडर्न बहू बाहर आंगन में पेड़ पौधों को पानी दे रही थी कि तभी हेमा से पाइप छीनकर एक दूसरे पर पानी की बौछार मार रही थी। ये बल्ले बल्ले होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली है, आज ना छोड़ेंगे तुम्हें, दम दमा दम दिल में तूफान भरा, दम दमा दम दीदी कैसा लगा पानी पानी होकर। अरे तुम पागल हो क्या, ये क्या कर रहे हो, भिगा दिया मुझे, परसों होली है अभी क्यों गंद मचा रहे हो। हाँ तो क्या हुआ, सबसे पहले तो ये साड़ी उतार दो, बड़ा परेशान कर रही है। ये कहकर तीनों मॉडर्न बहुएं साड़ी उतार कर होली के कलर के साथ होली खेलने लगती हैं। तभी सुप्रिया आती है और उसे भी अपने रंग में रंग देती है और तेज वॉल्यूम पर गाने चलाकर नाचने लगती है। तुम तीनों पागल हो गई हो क्या, कोई लाज शर्म है कि नहीं, कैसे आधे कपड़ों में होली के रंगों के साथ नाच रही हो, आते जाते लोग तुम्हें देखते हुए जा रहे हैं, माँ जी पापा जी क्या समझेंगे। कुछ नहीं दीदी आप फिक्र मत करिए। तभी उसके सास ससुर वहाँ आ जाते हैं। सास की मूछ देखकर पांचों बहुएं जोर जोर से हंसने लगती हैं तो सरोज कहती है, ये क्या हो रहा है, क्यों इतना दांत फाड़ कर हंस रही हो तुम पांचों की पांचों, और ये पूरे में गंदा क्यों मचा दिया है। माँ जी आपकी मूछ। अरे सरोज तुम्हारी कब से मूछें आने लगी,
किसने की है ये शरारत? अरे बहुत अच्छी की है। क्या मुझ? जरूर ही इन तीनों बहुओं का किया धरा होगा। खुद को भी तो देख लो, अपने कुर्ते पर पागल लिखवा रखा है। पापा जी, ईशा ये तुमने किया है ना? नहीं, कीर्ति ने। कैसे बच्चे हैं, ऐसी होती है बहू और सास की मूछें, और मेरे कुर्ते पर पागल दिखती हैं। तभी तीनों मॉडर्न बहुएं हाथों में गुलाल लिए अपने सास ससुर को जगा देती हैं और ससुर की लुंगी भी खोल देती हैं। तभी वो अपनी लुंगी बचाकर कहता है, घोर कलयुग आ गया है, ऐसे लोगों को तो घर में लाना ही नहीं चाहिए था। लिहाज नाम की कोई चीज नहीं है। तुम तीनों बहुओं के दिमाग घुटने में चले गए हैं क्या, जो बच्चों की तरह नाच कूद रही हो? आज ही कैसे कपड़े पहने हैं, आधे आधे, शर्म नहीं आती हमारे सामने? अरे मम्मी जी, पापा जी, बुरा ना मानो, होली है। और रही बात शर्म की, तो जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। चुपचाप अंदर चलो, बहुत होली खेल ली तुमने। और ये लो, कलाकारी की है ना, पांचो मिलकर साफ कर देना। सास की बात सुनकर पांच बहुएं उस आंगन की मिलकर सफाई कर देती हैं। दो दिन बाद दोनों संस्कारी बहुएं मिलकर होली की सारी तैयारी कर लेती हैं। स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाई, ठंडाई इत्यादि मिलकर मेहमानों के लिए बनाती हैं। वहीं तीनों मॉडर्न बहुएं डेनिम शॉर्ट ड्रेस पहने, चश्मा लगाए अपनी सास को गुलाल में रंग देती हैं और संस्कारी बहुओं के सिर पर गुलाल डाल देती हैं। और संस्कारी बहू के सिर पर गुलाल डालने के बाद अपने ससुर पर बाल्टी भरकर पानी फेंक देती हैं और बाहर लोगों के साथ होली खेलने लगती हैं और चिल्लाकर नाचते हुए कहती हैं, होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। रामू काका, रुकिए जरा, आपकी पीठ पर कुछ लगा है, जरा घूम जाइए, उधर देखिए। रामू काका उनकी बात सुनकर घूम जाता है, जिसके बाद वो मॉडर्न बहुएं उन पर पिचकारी से वार कर देती हैं। ये रामू काका भीग गए, रामू काका भीग गए। कैसी लगी रामू काका हमारी बलम पिचकारी आपको? अरे राम 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 राम, अरे बच्चों ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें, होली है ना, बहू होकर बच्चों वाली हरकत है। अरे ये क्या, छी 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 छी, ये कैसे कपड़े पहने हैं? रामू काका, अभी आप हमें बच्चे कह रहे थे, अब आप हमें बहू बोल रहे हो, आप डिसाइड कर लीजिए हम क्या हैं। अरे रामू काका, आप यहाँ एक मिनट आशीर्वाद तो दे दीजिए अपना। नमस्ते रामू काका। ये कहकर दोनों बहुएं उसके पैर छूती हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर एक दूसरे पर बाल्टी भर के पानी डालते हैं, पिचकारी और गुलाल से होली मनाते हैं। तभी कीर्ति कहती है, माँ जी, हम तीनों अपनी सहेली के घर उसे रंग लगाने जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर में आएंगे। अरे नहीं भाई, होली का माहौल बड़ा खराब होता है, ऐसे बाहर मत जाओ, और तुमने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने, अपने पति को ले जाओ, अकेले मत जाओ। नहीं माँ जी, हम तो ऐसे ही जाएंगे, हम बच्चे नहीं है। तीनों मॉडर्न बहुएं सास को अनसुनी करके होली महोत्सव के पंडाल से बाहर आकर सड़कों पर जाती हैं, जहां थोड़ी दूर जाते ही उन्हें दो तीन लफंडर लड़के मिलते हैं, जो उन्हें छेड़ने लगते हैं और उन पर पानी के गुब्बारे मारकर कहते हैं, बलम पिचकारी, बन के कहां जा रही हो? उप्स, माफ करना, गलती से आप पर गुब्बारा फेंक दिया, वो क्या है ना, बुरा ना मानो, होली है। अरे जरा चिकनी चमेली की चिकनी टांगे तो देखो, क्या लेग पीस है तीनों की, ए तमीज में। तभी कीर्ति एक चांटा पहले वाले गुंडे को मारती है कि वो गुंडा उसके गुलाल लगाने जाता है। तभी एंड मौके पर संस्कारी दोनों बहू और सरोज आकर उन तीनों गुंडों को डंडे से मारने लगती हैं और कहती हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को रंग लगाने की, इनके ये हाथ तो हमें तोड़ने ही पड़ेंगे, अब छोड़ना मत बिल्कुल भी ना उन्हें। अरे 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 अरे, माफ कर दो, माफ कर दो। ये कहकर वो दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद तीनों बहुएं आंसू बहाए सास और अपनी जिठानी के गले लगकर माफी मांगती हैं, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और वो मॉडर्न कपड़े पहनना छोड़ देती हैं। मथुरा जैसा गांव सबसे ज्यादा होली के लिए ही फेमस था, लेकिन हर बार की तरह वो सभी बहुत खुश होने की वजह बहुत दुखी थे, क्योंकि इस बार हर एक घर में होली बनाने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा तंगी थी, जिसके चलते गांव के सभी लोग एक दूसरे से कर्जा लेने की सोचते हैं, लेकिन किसी के पास खुद के लिए भी पैसे नहीं थे। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा इस बार हमारी होली कैसी होगी, क्योंकि हमारे गांव में किसी के पास भी पैसे नहीं है, और तुम तो जानते हो दूर दूर के लोग हमारे गाँव में होली खेलने के लिए आते हैं, अब हम लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम सभी उन लोगों के साथ होली कैसे खेलेंगे।
सही कहते हो, इस बार हमारे गांव की बहुत बदनामी होने वाली है। यह मथुरा जो होली के नाम पर ही इतना फेमस है, अब इसका नाम डूब जाएगा और फिर कोई नहीं आएगा यहाँ होली खेलने। ना भाई साहब, ऐसा ना बोलो, हमारे गांव में होली का त्योहार तो बनना ही चाहिए। एक ही तो त्योहार है जो हम लोग अच्छे से मनाते हैं। पिछली होली के बाद से ही हम सभी की किस्मत ऐसी फूटी है कि ना तो कोई काम धंधा सही से चला है और ना ही कोई काम में बरकत आई है। लगता है किसी की नजर लग गई है। मैं तो कहती हूँ सभी औरतें मिलकर हमारे गांव की नजर उतार लो। हाँ हाँ, सही बात है, हमें एक बार गांव की नजर भी उतार लेनी चाहिए। सभी औरतें मिलकर नमक मिर्च लेकर आती हैं और उसे चूल्हे में नजर उतार कर डाल देती हैं, जिससे पूरे गांव में दशक उड़ जाती है और सभी खांस खांस कर पागल हो जाते हैं। अरे ई का कर दिया तुम लोगों ने, चारों तरफ तीखी तीखी हवा उड़ रही है, तुहार नजरिया के चक्कर में हमारे फेफड़े फूल रहे हैं। गांव के सभी बड़े बुजुर्ग लोग खास खास के दुखी हो जाते हैं, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी गांव वालों के पास आता है और सभी से कहता है, अरे ऐसे कुछ समाधान नहीं निकलेगा, अरे ऐसे करोगे तो हम सभी को दिक्कत होगी, हमारे गांव को कोई नजर नहीं लगी है, ये सब तो तुम्हारे ही चोकों का नतीजा है, तुम लोग आगे के बारे में जरा भी नहीं सोचते। अब अगर तुम्हें इस होली के त्योहार को अच्छे से मनाना है तो तुम्हें नदी के पास जाना चाहिए, वही नदी जिसके अंदर कई सालों से काई जमी हुई है। नदी का नाम सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वह बूढ़ा आदमी वहां से ये सब कहने के बाद चला जाता है। उसके जाते ही सभी आपस में बात करते हैं, ये सच है क्या? वो कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई नदी है। अगर ऐसा है तो हमें जादुई नदी के पास जाकर उससे मदद मांगनी चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि यह बूढ़ा आदमी हमसे झूठ बोल रहा हो। भला कोई नदी जादुई नदी कैसे हो सकती है, और कोई नदी हमारी मदद क्यों करेगी? अगर ऐसी बात है तो हमें इस बात का पता लगाने के लिए जादुई नदी के पास ही जाना चाहिए। हकीकत भी तभी पता चलेगी। गांव के सभी लोग मिलकर नदी के पास पहुंच जाते हैं, जहां नदी के ऊपर बहुत ज्यादा काई जम रही होती है। इस नदी के अंदर से कितनी बदबू आ रही है, ऊपर से काई भी जम रही है, भला ये नदी कैसे जादुई नदी हो सकती है? सोना, हम इस नदी को साफ करें और इसके ऊपर की काई को हटा दें। वो तो तुम सभी ने सुना ही होगा, फल भी तब मिलता है जब इंसान मेहनत करता है। कौशल्या की बात सुनकर गांव के सभी लोग नदी को साफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते वो सभी लोग मिलकर पूरी नदी को सफाचट कर देते हैं। अरे वाह, क्या बात है, ये नदी तो बहुत चमक रही है। अनीता इतना कहती ही है कि तभी नदी के अंदर से एक देवी निकलकर बाहर आती है। इतने सालों बाद अपनी इस नदी को साफ सुथरा देखकर मुझे बहुत खुशी मिली। तुम सभी ने बहुत अच्छा काम किया है, इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? देवी माँ, हर साल हमारे मथुरा गांव में बहुत अच्छे से होली का त्योहार मनाया जाता है। सभी लोग एक महीना पहले ही होली खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अफसोस इस बार हम लोगों ने होली शुरू नहीं की क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। क्या आप हमारी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन एक परेशानी है। मैं अपना जादू केवल इस नदी के अंदर चला सकती हूँ, जहाँ मेरी खुद की दुनिया है। मैं इस नदी से बाहर जादू नहीं चला सकती। अगर तुम सभी गांव वाले चाहो तो मैं अपनी दुनिया में तुम्हें आने दे सकती हूँ, जहाँ जादू से सब कुछ प्रकट कर सकती हूँ और तुम सभी अच्छे से अपनी होली को मना सकते हो। देवी माँ की बात सुनकर सभी लोग इस बात के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। लेकिन देवी माँ, हम सभी इस नदी के अंदर कैसे जाएंगे? अगर हम पानी के अंदर गए तो हम सभी मर सकते हैं। नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम में से किसी को कुछ नहीं होगा, एक के बाद एक अंदर प्रवेश लेते जाओ। देवी माँ की बात मानकर गांव के लोग एक के बाद एक नदी में प्रवेश लेते जाते हैं और सीधी नदी की दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सब कुछ नदी के बाहर वाली दुनिया जैसा होता है। अरे वाह, क्या बात है भैया, ये तो बहुत ही लल्लन टॉप लागे है। तनिक देखो तो सही, यहाँ वहाँ चारों तरफ होली के गुलाल ही गुलाल है। अरे चलो 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 होली खेलते हैं।
मनमोहन की बात सुनने के बाद सभी एक साथ होली खेलने लगते हैं और खुशी से झूमने लगते हैं। अरे भाई बुरा न मानो, होली है। अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन ठंडाई कहाँ पर है? अरे बिना ठंडाई के हम इस होली में झूमेंगे कैसे? धनिया के इतना कहते ही वहाँ पर ठंडाई प्रकट हो जाती है, जिसे देखते ही गांव के सभी लोग, औरतें और आदमी बहुत खुश हो जाते हैं। अरे ये सब तो ठीक हुई, हमरे बाल बच्चे का भी तो ये जादुई नदी की स्पेशल होली खेलने के लिए मिलनी चाहिए न। हाँ बहन, चलो चलते हैं अपने बच्चों को लेने। कौशल्या और अनीता दोनों ही मिलकर गांव के बच्चों को और अपने बच्चों को जादुई नदी में ले आती हैं। चलो बच्चों खेलो होली, अब इस साल भी हम लोग अच्छे से होली खेलेंगे। वाह यहाँ तो बहुत सारी पिचकारियाँ हैं, कितना सारा गुलाल भी है और साथ में ठंडाई भी है। अरे चलो चलो, हमारे तो नसीब ही खुल गए। चलो चलो जल्दी से होली खेलते हैं और एक दूसरे को रंगीन कर देते हैं। सभी बच्चे पार्टी लोग नदी की जादुई दुनिया में होली खेलना शुरू कर देते हैं। सभी लोग खुशियां मना रहे होते हैं और होली खेल खेल कर वहाँ सभी ठंडाई पीकर एक लंबी सी झपकी ले लेते हैं। और जैसे ही उनकी आँख खुलती है, वो सभी अपने आप को हकीकत की दुनिया में पाते हैं, जहाँ उनके घर और उनकी दुनिया होती है। ये समझ नहीं आ रहा कि हम नदी की दुनिया से बाहर कब आए। तुम होली खेल रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे हम लोग वहाँ नहीं बल्कि दुनिया में होली खेल रहे थे, और वो सब एक सपने की तरह हो। अरे नहीं नहीं, वो कोई सपना नहीं, हकीकत है। जरा देखो तो सही, हम सभी के गले मिल रहे हैं। मोहन की बात सुनकर सबको यकीन हो जाता है, जिसके बाद वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन घर पहुंचते ही सभी को उनके घरों के अंदर सोने के सिक्कों से भरे हुए सोने के मटके मिलते हैं। उस दिन के बाद से वह सभी बहुत अमीर होते हैं और हर साल वो मथुरा गाँव में अच्छे से होली बनाते हैं।